हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव की दस्तक आचार संहिता कभी भी लग सकती है और बात हो रही है सीएए की। और साथ में हमारे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। सीएए का जो नोटिफिकेशन है कि, और बात सिर्फ तीन देशों की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही साथ ये अपना अफगानिस्तान। देखिए, सीए के मैटर पर बड़ा क्लियर है कि सीए में अगर ये लोग जो वहाँ से आए हुए शरणार्थी थे, जिनको ये शरणार्थी मानते हैं, और उन हिंदू शरणार्थियों को कभी भी सरकारी नौकरियों में प्रॉब्लम आई है उस पर्पस से लाते हैं तो हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन केवल इसलिए कि एक समाज को परेशान करने और उसको प्रताड़ित करने के लिए लाएंगे तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। तो प्रताड़ित कैसे होगी, क्योंकि सीए में बात नागरिकता लेने की नहीं हो रही है, नागरिकता देने की हो रही है। वही बात आ रही है, ये बात घुमा के हो रही है। बात नागरिकता लेने और देने की नहीं है, फिर से इस बात का है कि जो मूल निवासी हैं, बरसों से हैं, जब सन 47 के बाद उनके आ गए, तो आज तक इन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि इनको वो लेने वाली जो इनकी नीति है वो आज तक स्पष्ट नहीं करी, क्राइटेरिया तय नहीं करा। और मुस्लिम्स कम्युनिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बर्थ सर्टिफिकेट की, क्योंकि उस समय लिटरेसी मुस्लिम पर्सनलिटी में ज्यादा थी, और जब इलिटरेसी थी तो बहुत सारों के पास उस समय ये प्रमाण पत्र नहीं रहे होंगे। तो आज तक सरकार ने इस पर कोई क्लियरफाई जवाब नहीं दिया। क्या खतरा लगता है आपको सीए से? नहीं, केवल मचाना है, सिर्फ राजनीतिक धुंधे और कुछ नहीं है। परेशान करना है, एक समाज को प्रताड़ित करना है, लोगों में भ्रम फैलाना है, दूसरे समाज के लोगों को उनसे लड़ाना है और कुछ नहीं। पर एक भी केस है क्या हिंदुस्तान में कि किसी की नागरिकता, किसी मुस्लिम की नागरिकता रद्द की गई हो? नहीं, देखिए, अभी तो ये कानून ही नहीं आया, तो ये कानून ला क्या रहे हैं और जरूरत क्यों है? क्योंकि जो पुराना कानून है उस पर हमको एतराज नहीं है, तो नया जब ला रहे हैं तो उसका खुलासा होना चाहिए ताकि जनता के बीच से भाई का माहौल खत्म। शक और सवाल उठाते हुए सीए पर भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद।